माया के रूप में आवरण और विक्षेप इन दो को प्रस्तुत करते हुए जीव के सच्चित आनंद रूप को तो छिपाती है और मैं देह हूं, मैं मन हूं, इस अध्यास को उत्पन्न कर देती है। ये माया का स्वरूप है। वो माया कैसी है? बोले ऋते अर्थम यत प्रतीयतो, अर्थम माने श्री कृष्ण जो परतत्व है उसके बिना ही माया की प्रतीति होती है। न प्रतीयत चात्मनि, जब भगवान सामने आ जाते हैं तो माया की प्रतीति नहीं होती है। तद विद्या आत्मनो माया, वो माया भी अलग नहीं है, भगवान की ही आत्मना माया, भगवान की शक्ति है। ऐसी माया दो रूपों में प्राप्त है, एक है जीव माया और दूसरी है गुण माया। जीव माया का नाम ही है आभास और गुण माया का नाम ही है जो प्रधान। तो एक अध्यास रूप होकर के और एक प्रधान रूप होकर के वह जीव और गुण दो मायाओं को रूप धारण करके वो माया विराजमान है। तो माया जबने का छन्नम, ये जीव आपकी माया के आवरण से आवृत है। हम जो नित्य परकर हैं, वो परकर भी अब दूसरी एक माया है, वो है योग माया। उस प्रेम के प्रभाव से हम लोग आवृत होकर के विराजमान हैं। तो आप जो ये कह रहे हो लाल जी कि आप भुआ होकर के मेरी क्यों प्रशंसा कर, मेरी मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, तो महाराज ये आपकी केवल माया है। आपने स्नेह का ऐसा पर्दा डाल रखा है जिसके कारण हम आपके ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आज मैं आपके ऐश्वर्य का अनुभव कर रही हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आपका सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? बोल वासुदेवाय, श्री वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी जी के पुत्र हैं। श्री कृष्ण तो मुस्करा दिए, कुंती जी पहचान रही हैं, ठीक है मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हो कि हाँ हाँ अपने भैया की बड़ाई करोगी, अपनी भाव भौजी की बड़ाई करोगी, भाभी की बड़ाई करोगी, वसुदेव देव की इनकी स्तुति कर रही हो। परंतु कुंती जी तत्त्वतः कृष्णाय वासुदेवाय कहकर के, देवकी नंदन कहकर के तत्त्वतः स्तुति श्री वसुदेव देवकी की नहीं कर रही हैं। वे वासुदेव शब्द के द्वारा श्री नंद बाबा और देवकी शब्द के द्वारा श्री यशोदा जी का ही गायन कर रही हैं, क्योंकि आदि पुराण में निरूपण किया गया कि द्वे नामनी नंद जायाया यशोदा देवकी तथा नंद बाबा की जो पत्नी श्री यशोदा है उनके ही शास्त्रों में दो नाम प्राप्त होते हैं, एक यशोदा और एक देवकी। अतः ब्रज में भी देवकी नंदन नाम खूब प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं मथुरा में प्रसिद्ध है। देवकी जठर भूर राजा युगल गीत में देवकी शब्द का खूब प्रयोग किया गया यशोदा जी के अर्थ में। तो देवकी नंदन होकर के विराजमान श्री देवकी से तो ज्यादा भाग्यशाली कुंती जी कह रही है मैं हूं, मेरे ऊपर जब जब भी आपत्ति आए आप दौड़ करके आए। देवकी को तो आपने एक बार कंस के कारागार से मुक्त किया, हमको तो अनेक अनेक बार आपने कंस के कारागार अनेक बार जो आपत्ति है उन आपत्तियों के कारागार से हमको मुक्त किया। इससे देवकी की प्रशंसा नहीं करूंगी, भैया की प्रशंसा नहीं करूंगी। हे गोविंद, आपका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप गोविंद स्वरूप है, उस गोविंद स्वरूप नंदन स्वरूप की मैं वंदना कर रही हूं। अब भगवान बोले भुआ जी यदि तुमने भुआ बना स्थगित किया तो जाओ हमने भी अपना भतीजा बना कुछ देर के लिए स्थगित किया, तुमको जो चाहिए वो वरदान मांग लो। तो कुंती जी उस समय स्तुति करती हुई बोली कि विपद संत न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हमको विपत्ति मिले, भगवान ने तो दौड़ करके कुंती जी के मुख पर हाथ रख दिया। बोले भुआ जी ये क्या कह रही हो, जगत विपद विदारण के रूप में मेरी स्तुति करता है, आप विपत्ति क्यों मांग रही हो? कुंती जी बोली बोले लाल जी संपत्ति के लक्षण देख लिए, जैसे ही हमको राज्य मिला हमको छोड़ करके जाने लगे,
परंतु जब जब भी विपत्ति आई तब तब दौड़ दौड़ करके द्वारका से आकर के आपने हमारी रक्षा की, इसलिए मैं विपत्ति मांगती हूं संपत्ति नहीं मांगती हूं। भगवान हंसे, बोल बुआ जी मैं साफ समझ रहा हूं आप विपत्ति विपत्ति कुछ नहीं मांग रही हो, मेरी संगति मांग रही हो। आपका ये जो कहना कि विपत्ति मिले तत्त्वतः विपत्ति नहीं मांगी जा रही है, इस बहाने मैं यहां रहूं ये आप चाह रही हो। सीधी सीधी बात कहूं ना, जैसे कोई अपने पुत्र से कहे कि बेटा जहर खा लेना, परंतु ये बगल वाला जो पड़ोसी है ना इसके घर पर कभी हाथ फैलाने मत जाओ, तो क्या कोई जहर खाएगा क्या? कहा जाएगा ये कि जहर खा लेना परंतु पड़ोसी के घर पे मत जाना, परंतु ये जहर खाने का आदेश नहीं है। ऐसे ही आप जब ये कह रही हो कि मुझे विपत्ति मिले तो ये विपत्ति नहीं मांगी गई है, तत्त्वतः मैं किसी तरह से रुक जाऊं ये ही आप मांग रही हो। तो यदि आप ये मांगती हो कि मैं आपके पास में रुक जाऊं तो अपने मुंह से कहो ना कि आप रुक जाओ, आप कुंती जी चक्कर में पड़ गई। बोले लाल जी आपकी गति और अगति दोनों में ही मैं संदेह में पड़ी हुई, यदि ये कहूं कि आप जाओ तो मुझे भी वो होगा, यदि ये कहूं कि नहीं आपको यहीं रुकना पड़ेगा तो मैं समझ रही हूं कि मेरे भाई श्री बसदेव देवी की द्वारका के जितने भी लोग हैं वे आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं उनको दुख होगा, तो आपके जाने में किसी न किसी को दुख, आपके रुकने में भी किसी न किसी को भी दुख। ऐसी स्थिति में हाय आपको क्या कहूं, रुको के जाओ ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर संदेह में पड़ी रही और अंत में निर्णय किया, गला यदि मैं अपने स्वार्थ से कृष्ण को रोकूंगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए अब अपने स्वार्थ से नहीं रोकूंगी, अब मैं अपनी इच्छाओं को आपको समर्पित कर रही हूं। तत्सुखी तत्सुख सुखित्व भाव इसको धारण करके अब मैं विराजमान हूं। लाल जी जहां आपको अच्छा लगे वहां रहो, मैं यदि अपने सुख के लिए अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकूंगी तो कहीं ना कहीं किसी का अपराध करूंगी, किसी न किसी को दुख दूंगी, परंतु यदि आप सुखी हैं तो हम जितने भी भक्तगण चाहे यहां के हों या वहां के हों वे सब के सब परम परम सुखी होंगे, इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहो वैसा करो, हमारा सुख आपके सुख में ही एकमात्र समाया हुआ है। हमारे पास में इतना प्रेम तो है नहीं कि यशोदा की तरह से हम आपको रोक करके बांध करके रख लें, हम तो ऐश्वर्य मिश्रित भक्तगण हैं, मिश्रा भक्ति हमें विराजमान है, ऐश्वर्य मिश्रा जो प्रीति है वो हमें विराजमान है, अत्यंत शुद्ध प्रीति अत्यंत राग प्रीति हमें विद्यमान है नहीं, इसलिए जहां तुमको अच्छा लगे वहां तुम रहो। ऐसे जिस समय कुंती जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान जान गए और भक्त वत्सलता कितनी भारी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कैंसिल नहीं जाते हैं जी, और आपका सारा सामान लोड हो चुका है, कह रहे नहीं जाते हैं कैंसिल, और सारा सामान उस समय उतर रहा है और कुंती जी के आनंद का ठिकाना नहीं। श्री कृष्ण उठे, कुंती जी से लिपट गए हैं, भुआ जी ने बेटा को अपनी छाती से लगा लिया है, कृष्ण को झरझर आंसुओं से भिगो रही हैं। कुंती जी से मिलकर के श्री कृष्ण जो चले, सामने ही अर्जुन खड़े थे, अर्जुन को हृदय से लगाया, युधिष्ठिर खड़े हैं उनके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, श्री सुभद्रा जी बहन प्रतीक्षा देख रही थी, भैया को देख करके भैया भैया कह करके दोबारा भैया से लिपट गई, बोले भैया तू रुक गया बहुत अच्छा। ऐसे श्री सुभद्रा उनको परम परम आनंद, नकुल सहदेव तो श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, जितने भी अन्य युधिष्ठिर के
परिकर वे सब श्री कृष्ण को यथोचित कोई प्रणाम करके कोई कुशल पूछ करके कोई कृष्ण के बाएं बाएं स्कंध उनको छू करके झिझोड़ते हुए कोई आलिंगन करते हुए अपना अपना जिसका जैसा अधिकार उसके अधिकार के अनुसार वे सब कृष्ण का स्वागत करते हुए विराजमान और उसी प्रेम का उसी कृष्ण की कृपालुता का श्री नारद जी गायन कर रहे हैं कि आहा आप पांडवों पर कैसी कृष्ण की कृपा रही। एक प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण कुंती जी के प्रार्थना करने पर रहने पर रोकने पर प्रार्थना करने पर पूरा सामान यात्रा शुरू हो चुकी है। सामान सब रथ के ऊपर लग गया है सब पूरा पंत कहने नहीं नहीं जाते हैं चलो वापस। और कृष्ण आप लोगों के प्रेम के वशीभूत होकर के विराजमान तो चिरेण द्वारकाम गंतुम उद्यतो यद नंदना। जब श्री कृष्ण बहुत दिन तक रहने के बाद में महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए काकुस्तुत भी आवृत्यो स्वगृहे रक्षते नया। उस समय कहीं प्रार्थना में वचन कह करके विपत्ति मांग करके किसी तरह से श्री कृष्ण को श्री कुंती जी अपने घर में रोक रही हैं। इतना प्रेम। और युधिष्ठिर आयापि महाप्रतिष्ठां लोको द्वयोत्कृष्टतरा प्रदत्ता। आहा कृष्ण की कृपा का क्या वर्णन किया जाए। युधिष्ठिर को जिनने महाप्रतिष्ठा प्रदान की राजसु यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। राजसु यज्ञ का क्रम बड़ा भारी है। सामान्यतः हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें बस देवता का नाम मंत्र के द्वारा पूजन कर देते हैं गणेशाय नमः अक्षत गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हो गई पूजा। परंतु राजसु यज्ञ की एक विशेषता है कि उसमें एक सुपारी भी रखी जाएगी तो उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके पूरा क्रम करके तब जाकर के वो सुपारी फिर कहीं रखी जाएगी। इतना लंबा चौड़ा विधान इसलिए कई वर्षों का विधान राजसु यज्ञ का है। और ऐसा जो राजसु यज्ञ जिसमें केवल राजा लोग ही जो पट्टाभिषिक्त हैं वो ही उस यज्ञ में साक्षात रूप से यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं कार्य कर सकते हैं इसलिए वो राजसु यज्ञ। जहां पर कोई सामान्य व्यक्ति का उस राजसु यज्ञ में प्रवेश नहीं जो पट्टाभिषिक्त होगा वो उस राज्य को कर उस यज्ञ में कहीं हाथ लगा सकेगा नहीं तो दूर दूर से सेवा करो। यज्ञ मंडप के भीतर अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसा भारी जो राजसु यज्ञ का महाविस्तार जो कि परम कोई चक्रवर्ती राजा ही कर सके उस राजसु यज्ञ को श्री कृष्ण ने कराया। पूरा यज्ञ हो गया था बीच में एक अवसर ऐसा आया जिसमें पूरा यज्ञ एक क्षण में नष्ट हो जाता। शुष्पाल ने गालियां देना शुरू कर दिया और पांडव गुस्सा में आ गए और तलवार खींच करके खड़े हो गए। और शुष्पाल तो ये चाहता ही था कि यहां पर तलवार खींच जाए और जहां यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ मंडप में मुंड कट कट करके गिरे हाथ कट कट करके गिरे और यहां खून की नदियां बह जाए। श्री कृष्ण पहचान गए बोले अरे ये क्या करना चाहता है ये तो बड़ा कूटनीति से काम कर रहा है। यदि रक्त की एक बूंद भी यहां पर गिर गई तो पूरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। कृष्ण ने कह दिया कि ना गाली दी जा रही है मुझे दी जा रही है खबरदार कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। अब कृष्ण की निंदा कौन सुने। सब लोग कान में उंगली दे दे करके यज्ञ मंडप के बाहर निकल गए चले गए और कृष्ण आनंद से बैठे हुए सुन रहे हैं। शिष्यपाल जब तक कृष्ण को गाली देता रहा श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि भगवान तो भगवान है गुणातीत हैं न स्तुति से प्रसन्न होने वाले न निंदा से दुखी होने वाले इसके भगवान को क्रोध नहीं। चाहे कोई 100 गाली दे और चाहे 1000 गाली दे तब भी क्रोध नहीं। परंतु तो जैसे ही शिष्यपाल ने कृष्ण के साथ में कृष्ण भक्त और पांडवों को गाली देना शुरू किया भगवान बोले खबरदार मैं अपनी निंदा को से प्रभावित नहीं हूं
परंतु यदि कोई मेरे भक्ति की निंदा करेगा उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। और गाली देते हुए शिशुपाल के सिर को आपने इस प्रकार से काटा कि रक्त की एक बूंद भी वहां धरती के ऊपर नहीं गिरी। सुदर्शन चक्र ने पूरे के पूरे रक्त के प्रवाह को बीच में ही सोख लिया है। और वो यज्ञ मंडप पूरा का पूरा परम पवित्र योग की त्यों बना रहा। शिशुपाल की ज्योति कृष्ण चरणारविंद में लीन हुई और यज्ञ को योग की त्यों बचाया। यदि कृष्ण नहीं होते और उस समय यदि कहीं युद्ध प्रारंभ हो जाता तो पूरा बना बनाया पूरा जो यज्ञ था, इतना बड़ा जो महीनों का आयोजन था, फिर दोबारा चलो दोबारा उसको प्रारंभ करो, वो पूरा यज्ञ करना पड़ता। परंतु कृष्ण बड़ी चतुराई से उस यज्ञ को आखिर तक पहुंचाते हैं। सारी बाधाएं आई, उन बाधाओं से भी निकाल करके युधिष्ठिर को आपने उस यज्ञ की समापन तक पहुंचाया। तो युधिष्ठिर आपके महाप्रतिष्ठा लोकोद्वय उत्कृष्टतरा प्रदत्ता। लोकोद्वय दोनों लोकों में अपूर्व युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा हुई। रुधिष्ठिर जो युधिष्ठिर जो ये यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं कृष्ण के सुख के लिए। विभिन्न विचार करते हैं आहा द्वारका का वैभव वैकुंठ के वैभव से भी बढ़कर के है। अब कृष्ण कभी कभी हमारे इंद्रप्रस्थ में आते हैं अपनी भुआ जी से मिलने के लिए, उनको यहां पर कोई असुविधा न लगे, इसलिए यदि मेरे पास में भी परमेष्ठिर वैभव मिल जाए तो श्री कृष्ण की अच्छी तरह से यहां लाल चाप पूर्वक मैं सेवा करूं। तत्वतः अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर का युद्ध नहीं है, भीतर भाव यही है कि कृष्ण को मैं अधिक से अधिक सुंदर प्रकार से सब उपचारों के द्वारा कृष्ण की मैं सेवा कर सकूं। ये तत्सुख सुखी भाव ही कृष्ण की महिमा कृष्ण की सेवा करने का भाव ही श्री युधिष्ठिर के हृदय में उस राजसी युद्ध करने के उद्देश्य के पीछे छपा हुआ है। तो दोनों लोगों में महान प्रतिष्ठा प्रदान की तथा जरासंध बदाधना च भीमाय तेनात्मन एव कीर्ति। श्री कृष्ण ने कितनी कीर्ति प्रदान की है युधिष्ठिर को। जरासंध के कारागार में बंदी 20,000 राजाओं ने प्रार्थना तो की है कृष्ण से, परंतु कृष्ण ने स्वयं जरासंध का वध नहीं किया। जरासंध का वध करने के लिए आपने भीमसेन के माध्यम से जरासंध को बड़ी चतुराई से मरवा दिया। यदि कृष्ण सेना लेकर के जरासंध के पास में जाते, वे तो ईश्वर हैं, यदि जरासंध को सेना लेकर के जीतना बड़ा कठिन काम था, परंतु श्री कृष्ण जीत भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है, किसी तरह से जीत भी लेते, परंतु मानो कृष्ण जीतते स्वयं। तो जरासंध के अधीन जितने भी 20,000 राजा वे मालगुजारी देते किसको, द्वारका के राज्य को, और वे द्वारका के अधीन होते, जबकि द्वारका के राज्य को न तो धन की जरूरत थी और न द्वारका के राज्य को शक्ति की जरूरत थी। राजसु यज्ञ करने में धन की भी जरूरत और जनशक्ति की भी जरूरत, बाहुबल की भी जरूरत युधिष्ठिर को थी। इसलिए उन 20,000 राजाओं को श्री कृष्ण ने अपने अधीन नहीं किया, बल्कि भीमसेन के माध्यम से जरासंध को मरवा करके उन 20,000 राजाओं को युधिष्ठिर के अधीनस्थ किया और उन्होंने मालगुजारी जो दी वो युधिष्ठिर को दी और सेवा भी जो की वे युधिष्ठिर के अधीन होकर के उनके आदेशवर्ती होकर के उन्होंने सेवा प्रदान की। ये कृष्ण की परम कृपालुता, यश का एक अपूर्व उदाहरण। यश नाम करके जो शक्ति है भक्तों को कैसे यश प्रदान करते हैं ये श्री कृष्ण का वहां पर दिखा। और उसी का श्री नारद जी गायन कर रहे हैं कि तथा जरासंध बदाद नाचो भीमाय तेनात्मन एव कीर्तिम। उन्होंने जरासंध का वध करके भीम को भी कीर्ति प्रदान की। और भगवान अयम अर्जुनश्च
तत्प्रिय सक्षेन गत प्रसिद्धता। और श्री कृष्ण अर्जुन इनकी तो जोड़ी अद्भुत होकर के विराजमान है। ऋजुत्वात् अर्जुन अथवा जो सत्व गुणत्वात् अर्जुन, जो ऋजु स्वभाव का हो, सरल स्वभाव का हो, या जो सात्विक गुणों से युक्त हो, उसका नाम है अर्जुन। अर्जकत्वात् अर्जुन, अर्जुन के तीन तरह से व्याख्या की गई। अर्जुन उसे कहेंगे जो ज्ञान का अर्जन करना चाहे, उसका नाम अर्जुन। अर्जकत्वात् अर्जुन, जो अर्जन करे, कमाए, ज्ञान को कमाए, उसका नाम अर्जुन। एक अर्जुन की दूसरी परिभाषा ऋजुत्वात् अर्जुन, जो परम सरल स्वभाव वाला हो, उसका नाम अर्जुन। जरा सा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन घबरा रहा है, वो कह रहा है ये कहां से अग्नि आ गई, क्योंकि सरल स्वभाव है, एक तो निर्मल स्वभाव है। भगवान ने कहा अरे ये तो केवल ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन मात्र किया है। और उज्ज्वलत्वात् अर्जुन, तीसरा अर्जुन का जो अर्थ है वो उज्ज्वल स्वभाव वाला जो हो, उसका नाम अर्जुन। अर्जुन एकदम निर्मल स्वभाव वाला दैवी गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन तू दैवी गुणों से युक्त होकर के विराजमान है, तो जो दैवी संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान, उसका नाम अर्जुन। और अर्जुन में भी दैवी संपत्ति पूरी तरह से संपूर्ण रूप से विराजमान है। ऐसे अर्जुन को भी जिन्होंने अपूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान किया, श्री कृष्ण के ज्ञान का क्या ठिकाना, एक तो अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया और दूसरी ओर श्री कृष्ण ने ज्ञान उपदेश प्रदान किया फिर श्री उद्धव, दोनों ही उनके प्रिय सखा हैं। ब्रज में भी कभी कभी परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने चार पांच बार ज्ञान उपदेश प्रदान किए और ज्ञान उपदेश प्रदान करके ब्रजवासियों को भी, ब्रजवासियों के माध्यम से सन्मार्ग पर ब्रजवासियों को के माध्यम से जीवों को लगाया। नंदलाल को उपदेश दिया कि प्राकृत तुच्छ देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं है, जो परम उपास्य कूटस्थ शक्तिशाली है, उस भगवान की शीघ्र राज्य की माने कृष्ण की, अपना नाम तो ले नहीं सकते थे नंदलाल के सामने, यदि ये कहते बाबा मेरी आराधना कर, मैं सब देवताओं का देवता हूं, मैं ईश्वर परम कृष्ण, मैं परम ईश्वर हूं, तो नंद बाबा कान पकड़ के कन्हैया को बैठा देते, कल का तो छोकरा, तेरी पूजा करेंगे क्या हम। तो कृष्ण अपना नाम तो ले नहीं सकते हैं, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर गिरिराज जी का नाम ले लिया। परंतु स्थापना यह की कि तुच्छ देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं है, गुणात्मक देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं है, जो गुणातीत है उसकी ही आराधना की जाए। इसी तरह से श्री ब्रज गोपिकागण को भी एक परोक्ष रूप से उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि भाई कहीं शास्त्रीय जो मर्यादा उसका त्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय जो विधि है उसका पालन करते हुए ब्रज का पालन करना चाहिए, और तुम यदि निर्वस्त्र होकर के नदी के भीतर स्नान कर रही हो तो यह वरुण देवता का, यह अग्नि देवता का अपमान है, और उस वरुण देवता को प्रणाम करो, ये कहीं उपदेश देते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो व्यवहार की रीति को भी श्री कृष्ण समय समय पर समझाते हुए कहीं विराजमान हो रहे हैं। यज्ञ पत्नीगण उनको भी उपदेश प्रदान किया कि यदि रागानुगा भक्ति को प्राप्त करना है तो ब्रज गोपिका गणों का भाव और अभिमान धारण करना पड़ेगा, यदि ब्राह्मणी अभिमान को त्याग करने में समर्थ नहीं हो, अपने आप को ब्राह्मणी मान रही हो, तो मेरे साथ में रास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रास की प्राप्ति होगी तब जब राधिका अंगत्य ग्रहण करके कोई गोपी अभिमान धारण करेगा, मंजरी भाव धारण करने के लिए, सखी भाव धारण करने के लिए, गोपी भाव धारण करने के लिए कहीं गोपी बनने की जरूरत है। यदि कोई देवी बनी रहे तो देवी बनी रहने पर, ब्राह्मणी बनी रहे तो ब्राह्मणी बनी रहने पर,
कृष्ण अधरात की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये आपने यज्ञ पत्नियों को भी लौटा करके ये उपदेश प्रदान किया और भजन की एक रीति बताई। तो अनेक अनेक बार श्री कृष्ण यथोचित उपदेश भी ब्रजवासियों को भी प्रदान करते हुए विराजमान। नंद शिक्षा में जैसे उपदेश प्रदान करते हुए, इंद्र को शिक्षा देते हुए कई बार विराजमान हुए कि इंद्र खबरदार अभिमान मत करना, तेरे यज्ञ का मैंने खंडन किया है। तो इस तरह से ब्रज लीला में भी कृष्ण ने ऐसा नहीं उपदेश नहीं दिए हैं, ब्रज लीला में भी चार पांच उपदेश हैं। चार उपदेश तो बिल्कुल स्पष्ट ही हैं, गोपियों को स्नान करते समय उपदेश वस्त्र हरण में, नंद बाबा को गोवर्धन पूजन इंद्र पूजन का खंडन करके श्री गोवर्धन पूजन करने में उपदेश, श्री ब्रज गोपिकागण उनके साथ में भी रास में महारास में परिहास करते हुए परिहास के माध्यम से ये उपदेश कि प्राकृत जो प्रतीक पति है उसकी समाराधना करने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत लक्षणा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो परम उपास्य है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की ही आराधना की जाए। अर्थात हे गोपिकागणों, मेरे साथ में ही तुम्हारा विलास उपयुक्त है। और गोपिकागणों ने ये संवाद के माध्यम से इसी भाव को प्रकट किया कि हम सब कुछ त्याग करके तेरे पास में आई हैं। तो ये गोपियों के साथ में जो परिहास, उसमें भी कहीं प्रश्न के माध्यम से गोपियों के मुख में उत्तर डाल करके उन्होंने उस सिद्धांत को सामने प्रकट करा दिया। ये तीसरा कृष्ण का उपदेश के सब कुछ श्री भगवत सेवा के लिए है, जगत उपास्य नहीं है, उपास्य श्री कृष्ण ही है। यह गोपियों के साथ में जो रास में संवाद है उसका सार अंत में निष्कर्ष रूप में यही निकला। और अनेक अनेक बार श्री उद्धव के माध्यम से जो पत्रिका भेजी उसमें गोपिकागणों के माध्यम से भी उपदेश प्रदान करते हुए प्रेम की महिमा को वहां पर भी कहीं प्रकट कराते हुए श्री कृष्ण विराजमान हुए। तो श्री कृष्ण ब्रज में भी अनेक अनेक बार उपदेश देते हुए विराजमान होते हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर को भी उन्होंने अपूर्व स्नेह प्रदान किया। और अर्जुन का तो कहना ही क्या, अर्जुन तो प्रसिद्ध होकर के ही विराजमान है। सुपुराण शतई पर ही अहो महिमा स्तोतम अमिष्य शक्यते, कौन श्री कृष्ण की महिमा का और अर्जुन की महिमा का शत शत पुराणों के द्वारा भी महिमा गायन कर सकता है। और नकुल सहदेवश्च तादृक प्रीत परो यम, नकुल सहदेव इनकी प्रीति का तो क्या निरूपण किया जाए। जिस समय राजस्व यज्ञ हो रहा था और राजस्व यज्ञ के में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा आज किसी पुरुषोत्तम की पूजा करनी है। उस राजस्व यज्ञ के विधान में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें पुरुषोत्तम की पूजा की जाए, यह शास्त्र में उल्लेख है। अब वहां पर यह प्रसंग उपस्थित हुआ कि पुरुषोत्तम कौन है, सब एक दूसरे का मुख देखें, बोले ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। उस समय सब जब ये देख रहे हैं कि निर्णय नहीं है, कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी का विरोध कर रहा है, एक मत्ता नहीं है, तब सब ने भीष्म पितामह से कहा आप निर्णय करो। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की महिमा का गायन करना चाहते हैं, मन में तो इच्छा यही है कि कृष्ण की पूजा हो, परंतु वहां पर देख रहे हैं कि कोई कृष्ण का नाम भी लेता है कान में, कानाफूसी भी करता है, कृष्ण का नाम कौन है, कृष्ण की पूजा की जाए, ऐसे कोई आपस में कानाफूसी भी करता है। तो वहां पर बैठा हुआ है शिशुपाल, कृष्ण से बड़ी ईर्ष्या रखता है, तुरंत घेटे दबा बोलना मत, ऐसा कहकर मना कर, किसी को बोल नहीं दी थे वो शिशुपाल। अब श्री भीष्म पितामह समझ गए कि यदि मैं कृष्ण का नाम लूंगा तो ये दुष्ट मेरे सामने भी पड़ जाएगा और कृष्ण की निंदा सुननी पड़ेगी हमको,
इसलिए भीष्म पितामह स्वयं भी चुप हो गए। वहां पर सब आपस में विचार कर रहे हैं कि यहां पर वशिष्ठ जैसे ऋषि विराजमान हैं, उनका अग्र पूजन किया जाए। जनक राजा के यज्ञ में ये बात हुई भी थी कि 1000 गाय बधी हुई हैं और ये प्रसंग आया कि जो सर्वश्रेष्ठ हो उनको ये गाय प्रदान की जाएंगी। और उस समय वशिष्ठ ने कहा कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, चलो इन गायों को दो। अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इन गायों को हाँक करके ले चलो, और किसी ने भी हिम्मत नहीं किसी की जो श्री वशिष्ठ ऋषि से कह जाए कि नहीं तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो। उन्होंने अपना ब्रह्मवेत्तापन स्थापित भी कर दिया, शास्त्रार्थ में भी सबको पराजित किया था। तो क्या वशिष्ठ की पूजा की जाए? फिर विचार आया ना, वशिष्ठ तो एक सामान्य से ऋषि है, यहां पर श्री भीष्म पितामह जैसे पराक्रमी भी विराजमान है और ब्रह्मवेत्ता भी विराजमान है, इसलिए उनकी पूजा की जाए। फिर विचार आया ना, भीष्म पितामह तो एक मनुष्य है, यहां पर तो भीष्म पितामह के गुरु श्री परशुराम भी विराजमान हैं, उनकी क्यों नहीं पूजा की जाए। फिर विचार आया ना ना, परशुराम वे कहीं आवेश अवतार मात्र हैं, जब साक्षात अवतार श्री कृष्ण विराजमान हैं तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये सारी कामा खुशी चल रही है भीतर ही भीतर, परंतु कोई मुंह से नहीं कह पा रहा है। बोल कृष्ण की पूजा की जाए ना, कृष्ण तो सब अवतारों के अवतारी। इस बात को सत्य, बात तो सही कही। सो जो कृष्ण का कोई नाम लेना चाहे सो ही वो जरोकला चुरोकला शिष्यपाल घेंटू दबा दे, बोल मत, चुप बैठ रहे, बोल मत, कहीं कहना मत। अब भीष्म पितामह बड़े चिंता में पड़ गए कि सब लोगों की इच्छा है कि कृष्ण ही तत्वतः अग्र पूजा के अधिकारी हैं, परंतु यहां पर ये लड़ने के लिए तैयार है, विरोध करने के लिए तैयार है। इसलिए भीष्म पितामह ने उस समय सहदेव से कहा, बोले सहदेव पूजा करने का यज्ञ की व्यवस्था करने का सारा दायित्व ये मिनिस्ट्री दी गई है तुमको, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और तुम ज्ञानवान भी हो, शास्त्रों को जानने वाले भी हो। उस समय सहदेव से बोले, सहदेव बोले, बोले आप लोग यदि मुझे अधिकृत करेंगे तो मैं बोलूंगा, मेरी बात को सुनेंगे। सब बोले हां हम तुमको अधिकृत कर रहे हैं और अधिकृत ही नहीं कर रहे हैं, यदि तुम्हारी बात ठीक है तो हम सब उसका अनुमोदन भी करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, और हम तुमको अधिकृत करते हैं। तुम बताओ बिना संकोच के कि कौन की पूजा की जाए, कौन सर्वश्रेष्ठ है। उस समय सहदेव सभा में उठे और सहदेव बोले अर्हति अच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति ही, कि श्री अच्युत ही ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान करके पूजन करने